नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। करते हैं बुलेटिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। जम्मू कश्मीर में अलगाववादियों के बंद को देखते हुए सुरक्षा बल अलर्ट पर है। अलगाववादियों के बंद के कारण एक दिन के लिए अमरनाथ यात्रा को रोक दिया गया है, जिसके कारण अमरनाथ यात्रा का जत्था आगे नहीं जा सकेगा। यात्रियों को जम्मू कश्मीर में ही रोका गया है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के फैसले की रॉबर्ट वाड्रा ने जमकर तारीफ की। रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि राहुल, मुझे आपसे सीखने को बहुत कुछ मिला। हमारे देश में लगभग 65% युवा हैं जो आपके मार्गदर्शन में विश्वास रखते हैं। आपके इस कदम में मैं आपके साथ हूं, क्योंकि जनसेवा किसी पदवी की मोहताज नहीं होती। पूर्व मंत्री आजम खां और पूर्व सीओ आले हसन खां पर लोगों की जमीन कब्जाने और उन पर अत्याचार और उत्पीड़न करने का मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस ने उनके बेटे को हिरासत में ले लिया है। वहीं आले हसन खां की पत्नी ने पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई को नाइंसाफी बताया है। मुंबई के गोरेगांव में एक 2 साल का बच्चा खुले नाले में गिर गया था, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है। इस घटना में बीएमसी की बड़ी लापरवाही बताई जा रही है। वहीं फायर ब्रिगेड, पुलिस और बीएमसी के कर्मचारी बच्चे की तलाश में जुटे हुए हैं। 2008 मुंबई आतंकी हमले में मुख्य षड्यंत्रकर्ता हाफिज सईद और उसके 6 वरिष्ठ सहयोगियों ने उनके खिलाफ आतंकवाद के वित्त पोषण और धन शोधन के आरोप को शीर्ष पाकिस्तानी अदालत में चुनौती दी है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस के आतंकवाद निरोधक विभाग ने गत 3 जुलाई को सईद सहित 13 नेताओं के खिलाफ पंजाब प्रांत के विभिन्न शहरों में आतंकवाद के वित्त पोषण के आरोप में 23 प्राथमिकी दर्ज की थी। अमृतसर के सुल्तान विंड में रहने वाली लड़की को उसके ससुराल वालों ने घर में ही कैद कर दिया है। आपको बता दें, युवती का पति और ससुराल वाले उसको दहेज के लिए परेशान करते थे, जिसके चलते ससुराल वालों ने लड़की को घर में ही कैद कर दिया है, जहां लड़की ने प्रशासन से इंसाफ की मांग की है। लखीमपुर खीरी के कोतवाली क्षेत्र की एक ज्वेलरी शॉप से एक लुटेरा ज्वेलरी और नकदी से भरा बैग लेकर भाग गया। वहीं सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने गोरखपुर के मंडलायुक्त सभागार में मंडलीय उद्योग बंधु की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में गोरखपुर के सभी बड़े अधिकारी और बड़े उद्योगपति भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेमिनार में बोलते हुए सतीश महाना ने कहा कि ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब इंडस्ट्रियल को इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रेरित करना है। हमने पिछली सेमिनार में 61,000 करोड़ की 81 इंडस्ट्री को लगवाने की डील की थी और इसमें से इस समय 79 का काम शुरू हो चुका है।